हेलो स्टूडेंट, आज लाइब्रेरी साइंस में आज हमारा टॉपिक है फैक्ट्स ऑन फाइल। ठीक है, आज हम फैक्ट्स ऑन फाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि फैक्ट्स ऑन फाइल यानी FOF जो है हमारी फैक्ट्स ऑन फाइल, ये क्या है कि विश्व की घटनाओं का एक साप्ताहिक सार संग्रह। और फैक्ट्स ऑन फाइल इसका मतलब ये है कि तथ्यों की एक फाइल, यानी तथ्यात्मक जो फाइल है वो भी तथ्यों की एक फाइल यानी फैक्ट्स ऑन फाइल। और फैक्ट्स ऑन फाइल में क्या है कि विश्व की जितनी भी, चाहे वे सामाजिक हो, चाहे वे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या खेलकूद से संबंधी हो, या मनोरंजन से संबंधी हो, किसी भी प्रकार की जो घटनाएं होती है साप्ताहिक यानी समसामयिक घटनाएं, या करंट अवेयरनेस से संबंधी जो समसामयिक घटनाओं का जो संग्रह होता है वह होती है हमारी फैक्ट्स ऑन फाइल। और फैक्ट्स ऑन फाइल का पूरा नाम यही है, FOF का पूरा नाम यही है, फैक्ट्स ऑन फाइल यानी विश्व की घटनाओं का साप्ताहिक सार संग्रह। और अब देखो हमारा जो टॉपिक है उसमें देखो कि सबसे पहले तो है FOF का पूरा नाम, FOF का पूरा नाम होता है फैक्ट्स ऑन फाइल। ठीक है, FOF का पूरा नाम फैक्ट्स ऑन फाइल। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है? ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो ये क्या है, न्यूज डाइजेस्ट है। ठीक है, एक न्यूज डाइजेस्ट है फैक्ट्स ऑन फाइल। और फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशक कौन है? तो इसको HW Wilson के द्वारा फैक्ट्स ऑन फाइल को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम फैक्ट्स ऑन फाइल की आवृत्ति की। तो फैक्ट्स ऑन फाइल की आवृत्ति क्या है? वीकली, यानी हर 7 दिन में विश्व की जितनी भी जो समसामयिक घटना होती है वे घटनाएं प्रकाशित होती है। तो इसकी आवृत्ति वीकली यानी साप्ताहिक। ठीक है, अब बात करें हम फैक्ट्स ऑन फाइल कब से लगातार ये प्रकाशित हो रही है। तो हमारा जो फैक्ट्स ऑन फाइल है ये लगातार 1940 से लगातार प्रकाशित हो रही है फैक्ट्स ऑन फाइल। बात करें फैक्ट्स ऑन फाइल कहां से पब्लिश होती है, तो ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, फैक्ट्स ऑन फाइल। अगर आपको पूछ रहे हैं कि फैक्ट्स ऑन फाइल सूचना के कौन से स्रोतों में आता है, तो ये सेकेंडरी सोर्स है फैक्ट्स ऑन फाइल। CW Hansen के द्वारा सूचना स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और ये हमारा जो फैक्ट्स ऑन फाइल है ये सेकेंडरी सोर्स सूचना का द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, और फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है? तो विश्व की जितनी भी समसामयिक घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं का एक साप्ताहिक सार संग्रह है फैक्ट्स ऑन फाइल। मैं आपको दोबारा एक बार इसका रिवीजन करता हूँ कि फैक्ट्स ऑन फाइल विश्व की जितनी भी समसामयिक की घटनाएं होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, या खेलकूद से संबंधी हो, या मनोरंजन से संबंधी हो, या किसी भी प्रकार की घटनाएं या गतिविधियां जो समसामयिक हो और एक समसामयिक हो, उन सभी का एक सार संग्रह होता है फैक्ट्स ऑन फाइल। फैक्ट्स ऑन फाइल का प्रकाशन HW Wilson के द्वारा लगातार 1940 से किया जा रहा है। ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। और उसके अलावा ये इसकी अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली। ठीक है, और ये सूचना के सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, फैक्ट्स ऑन फाइल। तो हमारा जो फैक्ट्स ऑन फाइल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे ये आपका DSSB एग्जाम हो, NVS हो, KVS हो, या विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो 3rd grade और 2nd grade, इन दोनों में अगर आपके FOF पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। फैक्ट्स ऑन फाइल पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे इम्पोर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा फैक्ट्स ऑन फाइल पर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो आपका फैक्ट्स ऑन फाइल का टॉपिक है जो है लाइब्रेरी साइंस में ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,